असला दोस्तों दोस्तों सांपों की दुनिया में छत्तीस सौ इकसाम पाई जाती है इनमें से सिर्फ तीन सौ पचहत्तर इकसाम जहरीली है हिंदू मत और दुनिया के दीगर मुख्तलिफ मजाहिब में सांपों की पूजा की जाती है हिंदुओं की सांप से अकीदत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की उनके भगवान शिव की मूर्ति के गले में एक सांप लटका हुआ होता है सांप के हवाले से कई दिलचस्प दास्तानें मौजूद हैं मसलन अगर कोई शख्स नाग को कत्ल कर दे तो नागन उसका इंतकाम लेने के लिए कातिल का पीछा करती है ईछाधारी सांप रूप बदलने की सलाहियत रखता है और ये भी मशहूर है कि सांप खजाने और कुछ मखसूस किस्म के नवादरात की रखवाली करता है लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प और पुरस्कार दास्ताने सांप के मनके से मुतलिक मशहूर हैं। सांप के मनके को हिंदी में नागमनी और अंग्रेजी में स्टोन कहा जाता है जो कि जोगी स्पेरे और माहिर रूहानिया इसके बेशुमार फायदे बताते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सांप के डसे हुए शख्स के जख्म से जहर जजब कर लेता है इस मकसद के लिए सांप के मनके को सांप की डसी गई जगह पर लगाया जाता है ये उस जख्म से चिपक जाता है और जहर जजब करना शुरू हो जाता है तमाम जहर जजब करने के बाद ये खुद ब खुद अलग होकर गिर पड़ता है इसके बाद अगर इसको दूध में डाल दिया जाए तो जजब शुदा जहर को दूध में छोड़ देता है इसके अलावा मशहूर है वो निहायत ही जादुई किस्म के है मसलन ये मनका जिसके पास होगा वो हर किस्म के मखफी और बुरे असरा ऐसी महफूज रहेगा दुश्मन उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा और वो अपने दुश्मन आरोप हावी रहेगा मनके की हामिद शख्स पर कभी काला जादू असर नहीं करेगा इसके अलावा ये जहर की तरह हर किस्म की नहूसत और बद को जजब करने की सलाहियत रखता है सांप के मनके को अंगूठी या लाकट बनाकर पहना या रखा नहीं जा सकता इसे नापाकी और चमड़े से बनी चीजों से भी दूर रखा जाता है ताकि नापाकी और चमड़े की बू से ये खराब ना हो जाए इस मनके को एक चांदी की डिबिया में किसी अंधेरी और खुफिया जगह पर रखा जाता है जिसके पास ये मनका हो उसे ये कहा जाता है कि हर हफ्ते के के बाद वो इसे कुछ देर के लिए दूध में डबो कर रखे ताकि उसमें जल्द शुदा बद असरात निकल जाए दूध से निकालने के बाद इसे धोकर खुश करके दोबारा चांदी की डिबिया में महफूज कर दिया जाता है अगर काफी अरसे तक ऐसा ना किया जाए तो मन का मुर्दा होकर अपने असरात खो बैठता है योगी हजरात बताते हैं कि अगर किसी शख्स से कोई काम हो या उसे दिल के करीब लाना मकसूद हो तो उसके पाओ की मिट्टी लेकर एक डिबिया में मनके के साथ रख ले वो शख्स खिंचा हुआ आपके पास चलाएगा योगी हजरात इसे मुख्तलिफ अमलियात और मंत्र वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं स्पेरे और जोगी अपनी बेटियों को जहेज में और कोई चीज दें या ना दें तीन चीजें लाजमी देते हैं जिनमें सांप का मनका गिदर सिंगी और हाथ जोड़ी शामिल हैं यहाँ यह दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि सांप का मनका कहाँ से आता है और इसे कैसे हासिल किया जाता है जिस तरह इंसानों और जानवरों में बीमारियों के तौर पर पथरी पैदा हो जाती है इसी तरह सांपों में भी एक पथरी पैदा हो जाती है उसे सांप का मनका कहा जाता है पथरी सांप के सर में पैदा होती है सांप के मुंह में तालू में एक जहर की थैली होती है जो सांप के अगले दो नुकीले और सुरिंज की तरह खोखले दांतों में खुलती है जब सांप किसी को डसता है तो अपने ये नुकीले दांत उसके जिसम में दाखिल कर देता है दबाव पड़ने से ये थैली दबती है और जहर उस खोखले दांतों से होता हुआ शिकार के जिसम में दाखिल हो जाता है उसके असाबी निजाम पर असरअंदाज होता है जिससे शिकार बेहिस या बेहोश हो जाता है और सांप इसको आराम से निगल लेता है अगर सांप ये जहर इस्तेमाल ना करे तो उसकी थैली में मौजूद जहर बढ़ता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब ये थैली फट जाती है और सांप अपने ही जहर से हलाक हो जाता है लेकिन जंगल में मौजूद सांप अपनी खुराक या दिफा के लिए जानवरों को डसते रहते हैं इस तरह उनके जहर की मकदार नॉर्मल रहती है लेकिन सांपों की कुछ इकसाम ऐसी हैं जिनमें जहर ज्यादा मकदार में पैदा होने लगता है इस हालत को सांपों की बीमारी कहा जा सकता है जहर की जायद मकदार थैली में बढ़ते बढ़ते एक दाने की शक्ल इख्तियार कर जाती है जैसे, जैसे जैसे जहर बढ़ता जाता है ये दाना भी हजम में बड़ा होता जाता है और पत्थर की तरह सख्त होता चला जाता है बिलाखिर ये इतना बड़ा हो जाता है कि इसका उभार सांप के सर में वाज तौर पर महसूस होने लगता है स्पेरे इस उभार का मतलब जानते हैं और वो इस सांप को पकड़कर चाकू या ब्लेड से सांप के सर में हल्का सा चीर लगा कर ये पत्थर निकाल लेते हैं सांप का मनका निकालने में ये एहतियात रखी जाती है कि सांप का मनका निकालने के बाद सांप मर न पाए क्योंकि जोगियों और स्पेरों का ये अकीदा है कि अगर मनका निकालने के दौरान सांप मर जाए तो वो मनका मुफीद होने की बजाय सख्त नहुसत का बास बन जाएगा और जिस शख्स के पास वो मनका होगा वो शख्स सख्त नहुसत का शिकार होकर तबाह बर्बाद हो जाएगा लेकिन ऐसा शाजो नजर ही होता है जोगी लोग मनके वाले सांप से मनका हासिल करने के लिए एक आसान और खास तरीका इस्तेमाल करते हैं अमूमन मन का हासिल करने के लिए वो एक स्याह और इंतहाई मोटे जहरीले सांप को पालते हैं उस सांप को एक अलग और महफूज जगह रखा जाता है उसे पीने के लिए रोजाना दूध दिया जाता है जब सांप को रोजाना बगैर डसे खुराक मिलती है तो उसके जहर की मकदार किसी इस्तेमाल में न आने की वजह से रोज बरोज बढ़ती चली जाती है और उसके सर में मनके की सूरत इख्तियार कर लेती है एक खास वक्त आने पर योगी इंतहाई एहतियात से सांप के सर में चीर लगा कर ये मनका निकाल लेते हैं और सांप को दोबारा जंगल में छोड़ देते हैं जिस वक्त मनका सांप के सर से निकाला जाता है उस वक्त ये लंबूतरा और रीठे की शक्ल का होता है बाहर की हवा लगने से ये सख्त होकर फैल जाता है और ये चिपटी सी शक्ल इख्तियार कर लेता है ये वजन में बिल्कुल हल्का होता है और देखने में प्लास्टिक का एक टुकड़ा दिखाई देता है जिस तरह कीमती पत्थरों और नवादरा की पहचान न रखने वालों को बेवकूफ बनाकर जाली पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं इसी तरह असली मनके की पहचान न रखने वालों को नौसरबाज और जाली प्लास्टिक के टुकड़ों पर काला रंग करके मनके के नाम पर बेच देते हैं असली मनके की पहचान ये है कि ये साइज में एक या डेढ़ इंच से ज्यादा नहीं होता इसकी शक्ल बेसवी या गोल होती है ये वजन में बहुत हल्का होता है लेकिन असली मनके की शिनाख्त का सबसे आसान तरीका ये है कि मनके को अपनी जुबान पर रखिए असली मनका जुबान पर रखते ही वो जुबान से चिपक जाएगा और जुबान को चूसने या जज्ब करने लगेगा अगर ऐसा हो तो समझ जाइए कि वो असली मनका है असली मनके को अगर पानी में डाला जाए तो पानी के छोटे छोटे बुलबुले भी निकलना शुरू हो जाते हैं तो दोस्तों ये थी मनके के मुताल हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें शुक्रिया